Hi friends, this is my first vlog and I am very excited. So I was thinking which topic I would start from. So the topic which just came to my mind, which I have to talk with you, is books, related to books. Why should we study books? मेरे दिमाग में भी एक साल पहले यही सवाल था कि हम क्यों पढ़ें किताबें, क्या है किताबों में. सब यही कहते रहते हैं बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो. मैं कोई रीडर तो हूँ नहीं, मैं 20 साल से स्कूल की किताबें पढ़ी हुई हैं और तो बहुत बोरिंग किताबें होती हैं, आप भी जानते हैं. अभी एक साल से ही मैंने कुछ 5-6 किताबें पढ़ी हैं और उनमें से ज़्यादातर नॉन फिक्शन ही थी. एक फिक्शन किताब पढ़ी है अमीश त्रिपाठी की और बाकी ज़्यादातर नॉन फिक्शन ही थी. और हाल ही में मैं भी ये बुक पढ़ रहा हूँ, कंपाउंड इफेक्ट, बहुत ही शानदार किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे हमारी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट असर करता है. क्योंकि 20 साल से क्या है, हम कुछ पढ़े नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं है इस तरीके का. तो जो हमारे अनसबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चली गई है कि बुक्स जो है वो बहुत बोरिंग चीज़ है. अब उस चीज़ को हम धीरे धीरे सुधारेंगे और उसी का प्रयास कर रहा हूँ. अभी मेरी कोई हैबिट नहीं डेवलप हुई है बुक्स पढ़ने की, डेली नहीं पढ़ पाता हूँ, बट आई वॉन्ट एंड आई विल रीड बुक डेली. दिस इज़ माई एम. ज़रूर पढ़ूंगा मैं, आदत ज़रूर बनाऊंगा किताब की. और अब इस किताब से मुझे पता भी चल गया है किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम अगर करें. रोज़ मैं 10 मिनट भी अगर मैं किताब पढ़ूँ तो आफ्टर 1 year 2 year इट विल शो इट्स कंपाउंड इफेक्ट. बहरहाल किताबें मेरे हिसाब से इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें किताबों को पढ़ के एक नई डायमेंशन का आभास होता है. हम दूसरों की जीवनियों को पढ़कर और कुछ रिलेट करके हम उनसे काफ़ी कुछ सीख पाते हैं. जो इतने बड़े बड़े लोग अपने बारे में लिख के चले गए हैं, दे फेस द एडवर्सिटीज विच आर मोर देन आर चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग राइट नाउ. And after all these stuffs, they can break down all the challenges which they faced. So why don't we read such type of character and apply all these things which they had in our life? That's why I start reading the books. And yes, I am better than earlier now. Because अगर मैं पिछले एक साल की बात करूँ अपनी और अब मेरे में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है. बुक्स पढ़ने से व्यू पॉइंट्स चेंज हो गए मेरे, देखने का ही नज़रिया बदल गया पूरा. और शांति काफ़ी मिली है, इतना जो हड़बड़ मची रहती है जैसे ये क्रैक्स वगैरह सोशल मीडिया में जो चलते रहते हैं, उन चीज़ों से मैं बिल्कुल दूर हट चुका हूँ. मैं तो यही कहूँगा कि आप भी अपनी आदत डालिए किताब पढ़ने की. और एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय हिंद.